अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शुएम मंजूर फ्रॉम शुएम मंजूर यूट्यूब चैनल। और आपको वेब होस्टिंग कोर्स में जो है एक बार फिर से आपको जो है वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शुएब भाई, आपने तो वेबसाइट जो है WHM से इसके ऊपर बना ली, हमें आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनानी सिखाई, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, किसके ऊपर ठीक रहती है वेबसाइट बनाना। तो अगर आप नए हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा, आप WHMCS की जो है ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम आ जाता है, आपके लिए वेबसाइट बनाना जो है एक इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल भी वर्डप्रेस पर ना रहें, वेबसाइट को मूव करें और एडवांस लेवल पर जाएं और WHMCS के ऊपर आएं। अब आने की रीज़न क्या है कि अपने कस्टमर्स को जो है ना इस तरह से रुलाएं नहीं, आप रुलाने से मुराद ये है कि WHM हम जो है अगर वर्डप्रेस के ऊपर भी वेबसाइट बना लें एग्जांपल के, तब भी उसको मैनेजमेंट उसको मैनेज करने के लिए हमें आगे स्लैश क्लाइंट एरिया का सहारा लेने के बाद हमें जो है वहाँ पर क्या कहते हैं WHMCS को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जांपल के बाद कर लेते हैं, हम आ जाते हैं इस वेबसाइट जो है इस थीम के ऊपर जो है मैंने काम करना सिखाया आप लोगों को। अब इसके ऊपर हम आए आकर देखते हैं नीचे पैकेजेस हैं। अब ये वर्ल्डप्रेस के ऊपर है, अब बंदा जो है यहाँ पर साइन अप करेगा, अब जब साइन अप करेगा तो यहाँ से मूव करके चला जाएगा जी WHMCS के ऊपर, अब वहाँ पर उसको साइन अप करना पड़ेगा सारा कुछ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस एक रहना चाहिए, मतलब कि यूज़र को वर्ल्डप्रेस से मूव करें, यहाँ पर डिज़ाइन और होता है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर वेबसाइट का डिज़ाइन और हो जाता है। तो इस तरह से यूज़र को जो है इधर घुमाना उधर घुमाना, उससे बेहतर यही है कि आप जो है ना WHMCS के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएं। हाँ, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर सही तरीके से जानकारी रखते हैं बनाने की, एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, एक अच्छे डेवलपर हैं, या अपना कुछ दिमाग चला सकते हैं, कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, तो आप ज़रूर अपनी वर्डप्रेस के ऊपर ही वेबसाइट को जो है वो बनाएं, इस तरह से बनाएं कि अगला बंदा देखता रह जाए, ठीक है। उसको फील ही ना हो क्योंकि वो WHMCS के ऊपर जा रहा है या मेन वेबसाइट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट जो है ना वो इस तरह से तैयार करें। तो अब WHMCS के ऊपर क्या होता है कि यूज़र को कहीं भागना नहीं पड़ता, वो एक ही पेज पर रहता है, ऑर्डर करता है, वहीं पर अपना क्लाइंट एरिया लॉगिन कर लेता है और उसको इधर उधर घूमने की जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये इसमें जो है सारा डिफरेंस था, उम्मीद है आप लोगों को जो है इस चीज़ की जो है समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।